हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अगर हमें बचना है तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना ही लेना है, जैसे कि एटलीस्ट 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस हमें फॉलो करना है, फिर प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक फॉलो करनी है, और प्रॉपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रॉपर फेस मास्क यूज़ करना है। सो बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सो इसके पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कितने प्रकार के मास्क होते हैं और कौन सा मास्क किन किन व्यक्ति ने पहनना चाहिए, और फैब्रिक मास्क या फिर कपड़े का मास्क कैसे पहनना और उतारना चाहिए। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल मास्क, जैसे सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो कौन कौन व्यक्ति ने उसे पहनना चाहिए और उसका सही तरीका पहनने का और उतारने का क्या है, इसके बारे में जानकारी आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मेडिकल मास्क, जिसे सर्जिकल मास्क भी कहते हैं, उसे किन किन लोगों ने पहनना चाहिए या कौन कौन लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। सो मेडिकल मास्क जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनिंग स्टाफ यानी कि सफाई कर्मचारी, ये लोग पहन सकते हैं, या जो लोग सस्पेक्टेड COVID-19 पेशेंट्स हैं, जैसे कि कोल्ड कफ कोल्ड के पेशेंट्स हैं, उन लोगों ने भी सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए या वो लोग सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। फिर जो लोग सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड COVID-19 पेशेंट्स की केयर ले रहे हैं उन्होंने पहनना चाहिए। और फोर्थ थिंग, जो एरिया में COVID-19 के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 1 मीटर का फॉलो नहीं हो पा रहा है, वो ऐसे एरिया में जो लोग 60 साल के ऊपर है वो लोग, या जिन्हें कोई अंडरलाइन हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारी या फिर हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक स्मोकर्स या हेवी ड्रिंकर्स, जिन लोगों में थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को मेडिकल मास्क या सर्जिकल मास्क का यूज़ करना चाहिए। सो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि मेडिकल मास्क को पहनने का सही तरीका क्या है। सो सबसे पहले आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, उसे साबुन या पानी से अच्छे से धो लेना है। अगर साबुन या पानी अवेलेबल नहीं है तो आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से आपके हैंड्स क्लीन कर लेना है। एक बार हैंड्स क्लीन हो जाने के बाद आपको सर्जिकल मास्क को उठाना है और ये कंफर्म करना है कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड कौन सी है। सो ये कैसे पहचानना है, ये मास्क के ऊपर एक मेटल स्ट्रिप होगी, सो वो मेटल स्ट्रिप को आपको ऊपर की तरफ रखना है। सो ये मास्क में मेटल स्ट्रिप मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सो ये मास्क ऊपर का साइड, ये साइड ऊपर की साइड हो गई है, और ये मास्क जो ब्लूइश कलर का है, जो पार्ट वाइट कलर का है उसे अंदर की तरफ रखना है, और जो थोड़ा सा डार्क ब्लूइश पार्ट है उसे बाहर की तरफ रखना है। ये एक बार कन्फर्म करने के बाद आपको मेडिकल मास्क को इस तरह से पकड़ के आपको पहनना है। फिर मास्क पहनने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपका नाक, मुंह और दाढ़ी का एरिया यानी कि चिन एरिया पूरा कवर है, और ये मेटल स्ट्रिप जो नाक के ऊपर है इसको आपको इस तरीके से पिंच करना है ताकि ये मास्क और फेस के बीच में आपकी कोई गैप ना हो। आपको फेस मास्क को बार बार टच नहीं करना है, इन केस आप टच करते हो तो आपको तुरंत आपके हैंड्स को क्लीन कर लेना है। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि मेडिकल मास्क को किस तरीके से उतारना चाहिए। जब भी आप मार्केट से घर आते हो तो फर्स्ट थिंग बहुत से लोग जो करते हैं वो मास्क को हाथ लगा के उतार देते हैं। नहीं, जब भी आप बाहर से घर आते हो तो सबसे पहले आपको वापस से आपके हैंड्स क्लीन कर लेना है या फिर हैंड सैनिटाइज़र से हैंड्स क्लीन कर लेना है, और फिर उसके बाद में मेडिकल मास्क को सामने की तरफ कहीं पर भी टच नहीं करना है। आपको सामने की तरफ झुक के जो कान के पीछे मास्क के लूप्स है उसे आपको फेस से अलग करना है। मास्क को सामने कहीं पे भी टच नहीं करना है, और ये मास्क आपके फेस से अलग कर लेना है और बॉडी से अलग कर लेना है। और ये मास्क निकालने के बाद आपको ये मास्क को कहीं पे भी फेंकना नहीं है, इसे डायरेक्टली क्लोज डस्टबिन यानी कि बंद डिब्बे में डाल देना है। सर्जिकल मास्क ये रीयूजेबल मास्क नहीं है, इसे आप बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते हो। कपड़े के मास्क की तरह आप इसे धो के वापस से यूज़ नहीं कर सकते हो, ये वन टाइम यूज़ के है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम सर्जिकल मास्क पहनना है तो आपको नया वाला मास्क पहनना पड़ेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फेशियल मास्क यूज़ करने के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में शेयर की है, सो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जानकारी का फ़ायदा उठा सके। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।